नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का सबसे चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आज चुनाव तो ताजा भाव के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, किसे सबसे ज्यादा और किसे सबसे कम भाव दिया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देगी या फिर कांग्रेस ही देगी, इसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार का ताजा भाव के हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुजरात की 182 सीटों के जो ताजा भाव निकल कर आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने कई टक्कर बीजेपी को दी थी। बीजेपी ने यहाँ पर 99 सीटें जबकि कांग्रेस 77, बीडीपी को 2 सीट, एनसीपी को 1 सीट, अन्न की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्न को जीत मिली। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसका यहाँ पर जो है खेल बिगड़ सकता है और किसका यहाँ पर खेल बनेगा। फलोदी सट्टा बाजार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं, इस बार आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, ताजा भाव के हिसाब से गुजरात में 182 सीटों पर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं इनमें बात की जाए तो ताजा भाव के हिसाब से यहाँ पर बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 9 सीटों में से 4-4 सीटों पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनौती दे सकती है। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर जो है कमबैक करने जा रही है क्या नहीं, इस पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला आंकड़ा है। कच्छ से 6 सीटें आती है तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से जा सकती है। मेहसाणा की 7 सीटों की बात की जाए तो ताजा भाव के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। 3 सीटों पर बीजेपी जबकि कांग्रेस 2 सीट और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दिया जा रहा है। इस पर अगर बात की जाए तो तीनों ही पार्टियों को बराबर का यहाँ पर भाव मिलता नजर आ रहा है। पाटन से 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट आ सकती है। साबरकांठा की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। अमरावली की 3 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी किया है इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट पर जीत मिल रही है, यानी बराबर का भाव यहाँ पर दिया जा रहा है। गांधीनगर की 5 सीट की बात की जाए तो ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है 3 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 1 और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर जो है टक्कर दे सकती है। अहमदाबाद की 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 12 सीटों पर जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार ने लगाई है, जबकि कांग्रेस 4 सीट और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना हो सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल रही है जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर जो जारी हुए हैं इसमें मौरवी की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। राजकोट की 8 सीट की बात की जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीट, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दोनों सीटों पर दो-दो सीटों पर यहां पर जीत मिल सकती है। यानी यहां पर बिल्कुल यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो फलोदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जामनगर की बात की जाए तो 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट आ सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े देखने को मिल रहा है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट आ रही है। यहाँ पर बात की जाए तो पोरबंदर की 2 सीटों में से भी बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिल रही है, यानी बराबर का भाव यहाँ पर दोनों पार्टी को दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 भाव हो सकता है। जबकि बोटाद की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खरा रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट आ सकती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। जबकि जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, फलोदी सट्टा बाजार की निकल कर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो रही है। जबकि अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटों पर। सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। वामनगर की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर 3 सीट सबसे ज्यादा, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने टक्कर है, जबकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। जो ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है।
आनंद की अगर 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत मिल रही है। सत्ता जीत भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हो रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना सट्टा बजाने लगाई है ताजा भाव के हिसाब से। जबकि खेड़ा के 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है आम आदमी पार्टी की 1 सीट अगर जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो महसागर की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट जा सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ रही है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट आ सकती है। भावलडांग की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तीनों पार्टियों को बराबर का भाव दिया जा रहा है और इस हिसाब से तीनों ही पार्टी को यहाँ पर 2-2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार ने यहाँ पर लगाई है। छोटे उदयपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, यानी बीजेपी कांग्रेस में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ रही है। नर्मदा की 2 सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल रही है, 1 सीट पर बीजेपी आम आदमी पार्टी आने की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। नक्सली की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर सीधे तौर पर 2-2 सीटों पर जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ रही है। ताजा भाव के हिसाब से फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस तरह से फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हो सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जो ताजा भाव के आंकड़े हो सकते हैं, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो 59 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आने की बात की जाए तो 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। ताजा भाव के हिसाब से फलोदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है 182 सीटों के लिए, उस पर बीजेपी को यहां पर 100 का आंकड़ा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को पहले से ज्यादा यहां पर नुकसान हो रहा है, 77 सीटों से घटकर करीब 50 से 59 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर जबरदस्त फायदा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट से लेकर करीब 20 सीटों तक फायदा पहुंचा रही है, यानी आम आदमी पार्टी यहाँ पर आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार करती है, जिस कार के चुनावी वादे कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा, क्या आम आदमी पार्टी 2022 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं, क्या कांग्रेस की पदयात्रा से जो है कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस में भी बदलाव हो चुका है, नए अध्यक्ष बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो किसको कितना फायदा होगा, किसकी बन सकती सरकार, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या परिवर्तन देखेगा, इस पर अपने आयकर बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की घोषणाएं होती हैं, किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं, तो अपनी आयकर बॉक्स जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।